Assalamu alaikum ji, a very good evening to you from Karachi. This is Kamal Malik and the purpose of making this video is because main awareness dena chahti hu aap logon ko aur tamam viewers ko COVID-19 coronavirus ke bare mein, jiske naam pe logon ne duniya bhar mein dehshat aur khauf aur hiras phailaya hua hai, social media pe bhi aur TV pe news channels ne bhi. COVID-19 kya hai? ये एक वायरस है जो कि वुहान चाइना में फैला. किस तरह फैला? कि इन्फेक्टेड एनिमल्स थे, बैट्स थे, जिन्हें लोगों ने खाया या सूप उनका पिया, तो उन बैट्स के जरिए ये वायरस उन लोगों में आ गया. आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी बहुत खौफनाक किस्म की, चाइना में लोग इधर गिर रहे हैं, उधर गिर रहे हैं, मर रहे हैं. यस, वो बहुत स्केरी थी और देखना उनको, काफ़ी लोग डर गए, तो लोग समझे कि शायद हम भी इसी तरह गिर के मर जाएंगे. तो ये नहीं है, वो लोग हैं चाइना के जिन्होंने उस बैट सूप को पिया था, ध्यान में रखें. इसलिए वो सिवियरिटी थी वहाँ पे उस वायरस की. लेकिन जब आप इस वायरस की एक महीने में रिसर्च करते हैं तो आप नंबर्स को देखते हैं. कोई भी इदारा, कोई भी महकमा या कोई भी मुल्क जब अपनी परफॉर्मेंस की भी बात करता है तो हम नंबर्स देखते हैं, राइट? तो जहाँ तक हमने नंबर्स देखे उनमें इस वक्त पूरे दुनिया में 80,000 पेशेंट हैं जो कि बीमार हैं या अफेक्टेड हैं, जिसमें से 77,000 चाइना में हैं, ठीक है? और इसका मतलब कि 96% वरी तो आपकी यहीं ख़त्म हो जानी चाहिए, बिकॉज वहाँ पे ये ज़्यादा फैला है. और 3,000 लोग हैं वो दुनिया भर के तमाम ममालिक में, जिसमें कहीं 200, कहीं 100, कहीं 50, कहीं 40. यस, ये वायरस बढ़ रहा है, फैल रहा है. लेकिन अगेन मैं आपको नंबर्स की बात बताऊँगी कि अगर आपको ये लगता है कि आपके पास अगर ये वायरस आ गया तो आप मर जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है. ये वायरस जो है 81% केसेस में माइल्ड होता है, 14% केसेस में ये थोड़ा सा मॉडरेट होता है, और 5% केसेस में ये क्रिटिकल हालत में, जिसकी नमूनिया की शक्ल ले लेता है, जिसमें पेशेंट की या अफेक्टेड बंदे की डेथ हो जाती है. इसका ये मतलब है कि बहुत लाइकली है कि इंसान इससे आराम से रिकवर कर जाए. वो इस वजह से क्योंकि अगर आप कोविड वायरस को, कोविड-19 नाम है, कोरोना का है नाम कोविड-19 वायरस को, अगर आप सार्स वायरस से कंपेयर करें तो सार्स के अंदर जो फर्टेलिटी रेट था या बचने का चांस था वो खाली 10% था. इसका मतलब सार्स वायरस बहुत डेंजरस था, जबकि कोरोना कोविड-19 वायरस का फर्टेलिटी रेट खाली 2% है, जो कि 5 गुना कम है सार्स वायरस से, राइट? तो यहां पे भी आपकी वरी खत्म हो गई. हैविंग सेड दैट, अगर आपको अभी भी और नंबर्स में जाना है कि आपको पता चले कि ये फ्लू इतना खतरनाक नहीं है, तो इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि 50 साल से कम उम्र लोग, उनका चांस ऑफ गेटिंग दिस वायरस इज ओनली 0.2%, 0.2%, ठीक है? 1% भी नहीं और 2% भी नहीं, 0.2%. तो यहां तो सारी बात ही खत्म होगी कि आपको, आप निकले बाहर कराची में या अपने शहर में और आपको ये वायरस लग जाए, हवा से आ जाए आपके मुंह में, तो आप परेशान ही ना हो, ऐसा कुछ नहीं होगा. दूसरी चीज, लोगों को बताना और लोगों को अवेयरनेस देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. इस वक्त लोग भाग रहे हैं, लोग मास्क के पीछे भाग रहे हैं, लोग दवाइयों के पीछे भाग रहे हैं. खुदा का खौफ करें, अल्लाह से अच्छी दुआ करें, तवक्कुल रखें, अपनी सोच पॉजिटिव रखें, टेंशन स्ट्रेस ना फैलाएं घर में, क्योंकि स्ट्रेस और टेंशन लेने ही से इम्यूनिटी वैसी डाउन हो जाती है, तो आप घर बैठे बैठे वैसे ही आपको बुखार आ जाएगा परेशानी के हाल में, और वैसे ही आपको नज़ला हो जाएगा कल अगर आप आज पूरी रात ना सोए खाली वीडियोज़ देख देख के. तो इम्यूनिटी लेवल अपना हाई रखें, सोच अपनी पॉजिटिव रखें, और इस वीडियो को शेयर करें, बिकॉज इंशाल्लाह ताला ये वायरस आपको नहीं होगा, और अगर आपको हो भी गया तो आप रिकवर कर जाएंगे, ये इतना खतरनाक नहीं है. थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़.